दोस्तों, मैं हूं बिली सिंह। मेरे पीछे जो आप आम का पेड़ देख रहे हैं, यह है स्वर्ण रेखा। मेरे घर के अंदर ही लगा हुआ है और इसके ऊपर जो फल आता है बहुत ही मिठास से भरा हुआ और उत्तम क्वालिटी का आता है। और जितना भी फल है मैं इसके ऊपर ही पकाता हूँ नेचुरली। और मेरा बाग जो है आम्रपाली का, उसके ऊपर भी मैं ऐसे ही फल लेता हूँ। आज के वीडियो में आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी है कि जो गुठली होती है आम की, उससे पौधा कैसे बनाएं और उसको फिर आगे कैसे ट्रांसप्लांट करना है, खेत में करना है या घर में किसी दूसरी जगह, तो उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अब ये जो आम का पौधा देख रहे हैं आप, छोटा सा सैपलिंग, ये नेचुरली ऊपर से टपका स्वर्ण रेखा वैरायटी है ये। तो इसकी गुठली यहीं गिर गई, वो टपका हुआ आम ही यहाँ पैदा हो गया। क्योंकि बरसात पड़ी अच्छी चली है इस बार, तो ये ऊपर ही मिट्टी के मतलब पैदा हो गया है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसको अगर गुठली भी आपने मिट्टी में दबानी हो तो ज़्यादा गहरी नहीं दबानी, 2 इंच मिट्टी की लेयर बस ऊपर बिछा दें। तो फिर इसको इस स्टेज में, जब ये लाल पत्ते होते हैं ना ऐसे, एक इधर भी है छोटा सा, तो इस स्टेज में आपने निकाल लेना है। तो फिर ये बहुत अच्छा चलता है आगे खेत में, यहाँ कहीं भी आप अपने घर में लगाते हैं। तो अब इसको उखाड़ते हैं और इसको मैं अपने बाग में, जहाँ कोई स्पेस बची हुई है थोड़ी बहुत, वहाँ लगाता हूँ। आगे आप लोगों को तरीका बताता हूँ कैसे लगाना है। अब इसको कुछ शार्प औजार ऐसे ले लें, खुरपी वगैरह, या ये मेरे पास ये चीज़ थी, इससे उखाड़ते हैं इसको मिट्टी के बीच में से। उखाड़ना क्या, ये तो ऊपर ही पड़ी है सीड, हाथ से ही निकल जाएगी। ध्यान से निकालना है क्योंकि बड़ा नाजुक होता है पौधा। ये देखें, अब गुठली तो हो गई अलग, तो गुठली को तो हम साइड में रख दें। ये जड़ पकड़ चुका है, एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, 4-5 दिन पहले ही उखाड़ लेना चाहिए था। इसकी इतनी लंबी जड़ अंदर चली गई थी, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है शुरू के दिनों में। अब इसको मैं मिट्टी में लपेट कर पॉलीथीन बैग में रख लूँगा। ऐसे ही इसको उखाड़ते हैं, इसकी भी गुठली ऊपर ही है। छोटा पौधा है तो गुठली के अंदर ही है इसकी जड़। तो ये सबसे बढ़िया स्टेज होती है जब भी आपने ऐसी सैपलिंग सीड वाली ट्रांसप्लांट करनी है। एक पॉलीथीन बैग ले लो, उसमें डाल लो ऐसे। 3 पौधे यहाँ निकले हुए हैं गुठलियों में से, ये खुद ही दबाए गए थे। अब इनको भी निकालता हूँ मैं कसी के साथ। तीनों के तीनों एक ही बार में निकल गए हैं। अब इनको बैग में डालता हूँ और इसके बाद चलते हैं खेत में और वहाँ पर इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया आज, प्लेजेंट। कल बारिश बहुत बढ़िया हुई, उसने मौसम ठंडा कर दिया। अभी भी क्लाउड कवर है, चांसेस हैं बारिश के आने के। अगर आप लोगों ने नए पौधे लगाने हैं फलदार, तो ऐसे मौसम में लगाएं, बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं। पहुंच के बाग में, एक आपको ऐसा खड्डा लगाने वाला बर्मा चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप फावड़े, कस्सी या खुरपी से छोटा सा खड्डा लगाना है इनके लिए, वो लगा सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी, ये लास्ट वीक मैंने ये लाइन लगाई थी पूरी, तो इसी लाइन में मैं इनके बीच में फिट कर रहा हूँ। हाई डेंसिटी जो फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग। अब इसको ऐसे खड्डा मारें, ज़्यादा गहरा नहीं जाना, बस 4-5 इंच बहुत है। इस खड्डे में थोड़ी सी मिट्टी डाल लें ताकि इसको सॉफ्ट बेस मिले। सबसे पहले ये भाई साहब तगड़े वाले, इनको लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे खाद वगैरह नहीं डाला इसमें। देखो, ये मिट्टी जो है ना काफ़ी उपजाऊ होती है, आपने जंगलों में भी देखा होगा, वैसे भी कहीं ओपन एरिया में भी पौधे खुद ही हो जाते हैं। तो अभी इसके बेस में मैं खाद नहीं डाल रहा क्योंकि तैयारी नहीं थी पहले, और दूसरा ये छोटा पौधा है, इसके ऊपर सिर्फ NPK की स्प्रे करूँगा हफ्ते बाद।
जब ये थोड़ी जड़ पकड़ जाएगा। तो अगर आपके पास दीमक वाली कोई दवाई पड़ी है तो वो आप डाल सकते हैं पानी के साथ मिलाकर, तो दीमक का आप इलाज कर सकते हैं साथ के साथ। तो ये लग गया से पौधा, ऐसे ही ये सारे लगाऊंगा मैं। ये देखें, हफ्ता पहले मैंने लगाए थे, अब एक यहाँ लगाऊंगा, ये लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, सारे चल पड़े हैं। इधर मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी हुई थी, छोड़ी क्या है, यहाँ पौधे लगा रखे थे तो पड़ोसियों ने इधर गेहूं की फसल कटने के बाद आग लगा दी, जो स्टबल बचती है उससे मेरे ये जो लाइन के पौधे हैं सारे जल गए थे। ये शुरू के पहले साल की बात है, तो ये बड़े खतरे हैं पड़ोसियों से। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं इसमें, ऑलरेडी बारिश हुई थी कल तो काफ़ी वेट है मिट्टी, लेकिन फिर भी जब आप पौधा नया लगाते हैं तो उसमें पानी ज़रूर डालें थोड़ा सा, साथ में दीमक की दवाई अगर घोल लें तो और भी बढ़िया है। आम के पौधे तो लगा दिए भाई, 5 लगाए हैं और फैमिली बड़ी होती जा रही है, अच्छी बात है। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी कमाई होगी, अगर काम करने वाले हों तब, अगर निकम्मे हैं तो भाई वही धरती का बोझ बन जाएंगे। सेम बात इंसानों पर फिट होती है।